दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारे पास अवेलेबल है ओप्पो का रेनो 5 प्रो एंड आज हम करने वाले हैं इसका कंप्लीट चार्जिंग स्पीड टेस्ट। और यहां पर आपको ओप्पो के रेनो 5 प्रो में 43.5 mAh बैटरी के साथ 65 वोल्ट का सुपर वूक 2.0 चार्जिंग स्पोर्ट मिल जाता है। तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं और ओप्पो क्लेम करता है आपका स्मार्टफोन 0 to 100% चार्ज होने में ओनली 30 मिनट्स लेता है। आज हम चेक कर लेते हैं हमारा स्मार्टफोन 0 to 100% चार्ज होने में कितना टाइम लेता है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बैटरी लगभग कम्प्लीटली डिस्चार्ज है, ओनली 1% चार्ज है और ये भी हमारी डिस्चार्ज होने वाली है। तो यहाँ पर अभी हम चार्जर को कर लेते हैं कनेक्ट और देख लेते हैं हमारा स्मार्टफोन कितना टाइम लेता है। और यहाँ पर हम हर 10 मिनट्स में चेक करेंगे हमारा स्मार्टफोन कितने चार्ज हो चुका है। यहाँ पर अभी मैंने चार्जर को कर दिया कनेक्ट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं और अभी हम स्टॉप वॉच को कर देते स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट्स में और देख लेते हैं हमारा स्मार्टफोन कितना चार्ज हो पाता है। हमारी 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुकी है एंड यहाँ पर हमारा स्मार्टफोन है ये चार्ज हो चुका है यहाँ पर 45%। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो 10% यहाँ पर 10 मिनट हो चुकी है बट हमारा स्मार्टफोन यहाँ पर चार्ज हो चुका 46%। अभी तक तो चार्जिंग की स्पीड में बोल सकता हूँ काफ़ी बेस्ट है। आप बोल सकते हैं कि आपका स्मार्टफोन 10 मिनट्स में लगभग 50% चार्ज हो जाता है क्योंकि मैंने यहाँ पर डिस्प्ले भी ऑन किया बीच बीच में। और यहाँ पर हमारा स्मार्टफोन 47 हो चुका है, तो देख लेते हैं कि हमारा स्मार्टफोन 30 मिनट्स में कम्प्लीट चार्ज 100% हो पाता है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ऐसी ही चार्जिंग से स्पीड टेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी ही आपको अगर और मोबाइल की वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट्स भी कर सकते हैं।
20 मिनट्स हो चुके हैं कंप्लीट और आप देख सकते हैं हमारा जो स्मार्टफोन है 81% चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पर 20 मिनट्स में 81% चार्ज काफ़ी बेटर है। आपका स्मार्टफोन 11 मिनट्स में 50% चार्ज हुआ था ओप्पो रेनो 5 प्रो एंड यहाँ पर 9 मिनट्स में हमारा स्मार्टफोन 31% चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि 100% होने में स्मार्टफोन अभी कितना टाइम लेता है। तो यहाँ पर अभी 30 मिनट्स होने में अभी लगभग 10 मिनट्स है और हम देख लेते हैं हमारा स्मार्टफोन 100% चार्ज हो पाता है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों 50% तक जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया जो चार्जिंग स्पीड है काफ़ी बेटर है। उसके बाद चार्जिंग स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है एंड 80% के बाद और थोड़ी स्लो हो जाती है हमारी चार्जिंग स्पीड। तो अभी देख लेते हैं और कितना टाइम लगता है हमारा स्मार्टफोन। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 मिनट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड हमारा स्मार्टफोन 99% चार्ज हो चुका है। दोस्तों आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर मैं अगर बार बार डिस्प्ले ऑन नहीं करता तो हमारा स्मार्टफोन अभी तक 100% चार्ज हो चुका होता। तो यहाँ पर जो ओप्पो का दावा बिल्कुल 100% ट्रू है कि हमारा स्मार्टफोन 30 मिनट्स में 100% चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं और अभी हम देख लेते हैं 1% और होने में हमारा स्मार्टफोन कितना टाइम लेता है। बट अगर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा स्मार्टफोन 30 मिनट्स 28 सेकंड में 100% कंप्लीट चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आपका स्मार्टफोन 30 मिनट्स में 0 to 100% कंप्लीट चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे तो काफ़ी बेटर लगा ओप्पो का जो है ये चार्जिंग स्पीड टेस्ट। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने भी चार्जर को डिस्कनेक्ट किया है और यहाँ पर चार्जर में भी कोई ऐसा हीटिंग इशू नहीं है। 1% भी मैं बोल सकता हूँ आपको कोई भी हीटिंग इशू चार्जर में देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर अगर मैं स्मार्टफोन की बात करता हूँ तो यहाँ पर ओनली 1% भी हमें मुझे यहाँ पर स्मार्टफोन हीट नहीं लग रहा है। स्मार्टफोन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने चार्जिंग जो लगाने से पहले देखा था। बिल्कुल भी यहाँ पे हमारे स्मार्टफोन में हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चार्जिंग लगाते हैं 0 to 100% काफ़ी टाइम्स बार मैंने देखा है कि लोग ये बोलते हैं कि स्मार्टफोन अगर इतने फास्ट चार्ज होगा तो काफ़ी हीट करेगा। तो बट मुझे तो यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगती कि हमारा स्मार्टफोन हीट होता है। बिल्कुल 1% भी मेरा स्मार्टफोन अभी हीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों 30 मिनट्स में हमारा स्मार्टफोन कंप्लीट चार्ज हो चुका है। तो आप देख भी सकते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी चार्जिंग स्पीड टेस्ट वीडियोज़ के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।